युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में दो दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और भारोत्तोलन के लिए 19 विकास खंडों के विद्यालयों से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 3000 मीटर दौड़ में कौड़ी राम के कृष्णा गुप्ता को प्रथम स्थान मिला। 400 मीटर दौड़ में पिपराइज की नेहा यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में कबड्डी का शुभारंभ मैच राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज बांसगांव और पूर्व माध्यमिक विद्यालय जैनपुर भटट के बीच खेला गया, जिसमें बांसगांव की लड़कियों ने एक तरफा मैच में 28-6 के अंतर से हराया। जिला युवा एवं खेलकूद कल्याण अधिकारी संजय कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला युवा एवं खेलकूद कल्याण अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा, लोग वहां पर पहुंचे और निर्णायक मंडल मार दो अपने अपने घर से शाबाश, बहुत अच्छा, चलो ना मार। हाँ, पांच किलो पका युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में दो दिवसीय ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जिसमें आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। विकास खंडों पर 5 विधाएं अनुमन्य थी, एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन। इसमें एक ब्लॉक में कम से कम 3 विधाओं में कराते हुए जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको आज जनपद स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया गया है। और ये ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को एक अवसर युवा कल्याण विभाग देता है
ताकि वो इसमें प्रतियोगिताओं में भाग ले करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें, अपने करियर का निर्माण कर सकें, साथ ही वो सोशल एक्टिविटीज ताकि असामाजिक कार्यों से दूर रह करके आपसी प्रेम सौहार्द और भाईचारे का भी विकास हो सके, साथ ही ग्रामीण युवा जितना ही खेलकूद की एक्टिविटीज से जुड़ेंगे उतना ही लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे ताकि जो है स्वास्थ्य पर होने वाले जो अनावश्यक व्यय हैं उनसे भी बचा जा सके। इसलिए खेलकूद की जो गतिविधि है अत्यंत आवश्यक है, खास करके युवा वर्ग के लिए, क्योंकि युवा ही राष्ट्र की रीढ़ है। वह अगर अच्छा निकलेगा, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो यह देश भी स्वस्थ होगा। धन्यवाद।